भीषण गर्मी के बाद पूरे देश में अब बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं दीवार गिरने से मौत हो रही है तो कहीं आकाशीय बिजली से। वहीं बरसाती नदियों के उफान पर आने से भी जगह जगह पानी भर गया है। प्रदेश में भी हर जगह बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मथुरा के वृंदावन के मथुरा दरवाजा इलाके में दो मजदूरों की एक गड्ढे में दबकर मौत हो गई। मजदूर रामकृष्ण मिशन अस्पताल में सीवर के गड्ढे का निर्माण कर रहे थे। इसी दौरान ठेकेदार की लापरवाही से दोनों मजदूर गड्ढे में दब गए। घटना के बाद पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया। ये वृंदावन थाना क्षेत्र के अंदर रामकृष्ण मिशन अस्पताल है, उसमें एक दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, सीवर लाइन की खुदाई चल रही थी, जिसमें कुछ मजदूर थे जो कार जिसमें काम कर रहे थे, तो मिट्टी ढहने से वो दब गए। उनको निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इंजरीज के कारण दे सकम टू डेथ। और उनके परिवारजनों से बात की गई है, उनको दिलासा दी गई है, और जो मैक्सिमम मुआवजा उनको दिलाया जा सकता है उसके बारे में सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात की गई है, तथा उनको बताया गया है कि जो भी तहरीर वो देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर के देवमाइल ब्लॉक के बकेवर पावर हाउस में पानी भर जाने से हालात बदतर हो गए हैं। यहाँ पावर हाउस के ग्राउंड में पानी भर जाने से कई गाँवों की बिजली सप्लाई बंद हो गई है। पावर हाउस के छतों में पानी टपकने के कारण पावर हाउस में रखी मशीनों में करंट आता है। इसे यहां काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे पावर हाउस बकेवर में वर्षा के मौसम में पूरे पावर हाउस में जल भराव हो जाता है, तथा बकेवर पावर हाउस के स्विच यार्ड में भी पानी का भराव होने के कारण केबिलें जो होती हैं पानी में डूब जाती हैं, और यहाँ पे कंट्रोल रूम में भी पानी टपक रहा है, जिससे मशीनों के ऊपर भी पानी गिर रहा है, तथा इसके कारण दीवारों में भी करंट उतर रहा है, तथा सप्लाई चलाना यहाँ पे नामुमकिन हो गया है। भदोही में पिछले कई दिनों के बारिश ने शहर के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर का सबसे बड़ा MBS राजकीय अस्पताल पानी से घिर गया है। पूरे अस्पताल परिसर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसे में मरीजों से लेकर डॉक्टर तक बारिश से भरे पानी से किसी तरह निकलकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। मैं महाराज बलवंत सिंह हॉस्पिटल में आया हूं, जो हमारे जिले का सेकंड अस्पताल कहा जाता है, और यहां की दशा देख रहे हैं आप, जो है पूरा जल जमाव इतना ज्यादा हो गया है पूरे हॉस्पिटल परिसर में कि आने वाले हर बुजुर्ग बच्चे और हर मरीज के लिए तकलीफ का विषय बना हुआ है। यहाँ पानी निकासी कोई सुविधा नहीं हमको समझ में आ रही है। डॉक्टर, स्टाफ, मरीज सारे लोग परेशान हैं, और पानी निकासी की कोई सही व्यवस्था है नहीं। जरा सी बारिश हुई पानी लग जाता है, और मरीज के साथ साथ स्टाफ भी परेशान होता है, उसी पानी में सारा काम करना पड़ता है। इसके पानी निकासी पहले तो रोड का पानी जब निकलेगा तभी हॉस्पिटल का पानी निकलेगा। सबसे पहले रोड भर जाता है, उसकी वजह से हॉस्पिटल का पानी नहीं निकलता, बल्कि रोड का पानी हॉस्पिटल में आ जाता है। तो सरकार से तो यही कहेंगे कि जल निकासी की व्यवस्था अच्छी करें, जिससे कि रोड के साथ साथ हॉस्पिटल का भी पानी निकलता रहे। भदोही शहर से सालाना करोड़ों का कालीन विदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है, इसीलिए शहर को लोग डॉलर नगरी कहते हैं। भदोही नगर पालिका जल निकासी के लिए बारिश के पहले करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बाद सिर्फ 5 दिनों की बारिश से शहर पानी पानी हो गया है। पिछली बार मैंने नाला जाम था सब, हर जगह दिक्कत थी, परेशानी थी, उसको साफ करा दिया था। इस बार हमने नाले का निर्माण कराया है, सीवर का बिछवट्टा गली से लेकर सीधा मरजात पट्टी एक माह तिराहे तक ले गए हैं। इसके बाद गियर फेर छिटी तलाव से लेकर घमापुर बाईपास टकाते हुए इसको नदी तक ले गए, मथुरापुर क्रॉस करते हुए, और यहाँ पर दरोपुर से होते हुए सीधा मथुरापुर होते हुए नदी को क्रॉस उधर ले गए। हर जगह व्यवस्था में लगा हुआ, अयोध्यापुर कॉलोनी जलालपुर में जो है शिवर उल्टा बैठा हुआ था, पानी उल्टा फ्लो कर रहा था, पर साल पानी बहुत लग रहा था, इस साल हमने उसको सीधा करा दिया है। अभी कुछ 4-6 दिन का काम बाकी है, वो पूरा हो जाएगा, पानी कहीं लगेगा नहीं। हमारे पहले घुटनों के ऊपर पानी लगता था, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 4-4 घंटे लगता था, आज की स्थिति यह है कि पानी बरसात हुई निकल जाता है, बहुत लगा 10-20 मिनट आधा घंटा के बाद खाली हो जाता है। कहीं भी किसी भी जगह आप देख लीजिए।
बलिया में मूसलाधार बारिश से एक पुलिस चौकी झुमरी तलैया बन गया। जल जमाव से पुलिस चौकी में इतना पानी भर गया कि दूसरों को सुरक्षा देने वाली यूपी पुलिस के जवानों को अपनी ही सुरक्षा के लिए पानी में डूबी कुर्सियों और चारपाइयों का सहारा लेना पड़ा। जाबलिनगंज पुलिस चौकी और उसमें बना श्रीकृष्ण मंदिर जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है, लगातार हो रही बारिश के चलते शहर की सड़कें सैलाब बन गई और धीरे धीरे पुलिस चौकी में भी पानी भरने लगा। अच्छा, तो बारिश के बाद क्या स्थिति है चौकी की? पानी डूबा हुआ है, 2-4 घंटे के बाद पानी जब ना खाली हो जाएगा। अच्छा, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको? पानी के परेशानी का सामना ये करना पड़ता है कि पानी डूबता है तो हम लोग देखते हैं कि बूढ़ न जाए, बिस्तर न भिग जाए, तो जूता चप्पल न बह जाए। अच्छा, जो पेड़ है वो भी टूट गया है, क्या स्थिति है चौकी के अंदर? चौकी के अंदर पेड़ गिर गया है, बाउंड्री है वो भी टूट गई है। इस पुलिस चौकी में बारिश और जल जमाव से एक बड़ा पेड़ भी चौकी के अंदर गिर गया। जल जमाव की यह समस्या महज इस पुलिस चौकी में ही नहीं बल्कि जिले के एसपी का कार्यालय भी पानी से घिर चुका है। पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल का कहना है कि जब भी बारिश होती है तो पुलिस चौकी पानी में घुस जाता है। स्थिति है बीती रात से जो बारिश हो रही है, इसके बाद क्या चौकी की स्थिति है? सर, बरसात जो है जब से हो रही है पूरा ये घुटने बराबर पानी है। अच्छा, और हम लोग रात से ही जो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो जो आपका जो आरक्षी जो कक्ष है जहाँ आप लोग रहते हैं उसका क्या हाल है? आप तो सर देख ही रहे हैं कि पूरा एकदम डूबा हुआ है। अच्छा, चौकी हमारी, तो इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो है हम लोग रात से ही बैठे हुए हैं। इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और यह इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। प्रधानाध्यापक ने बताया कि कई बार उच्च अधिकारियों को इस इमारत के बारे में जानकारी दी गई है लेकिन अधिकारियों ने इस इमारत को सही नहीं कराया और जिसकी वजह से बच्चे आज भी जर्जर इमारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जब इस मामले में इटावा के बेसिक शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी यह मामला मेरे संज्ञान में आया है और अगर बच्चे जर्जर इमारत में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो बच्चों को पंचायत घर में शिक्षा प्राप्त कराई जाएगी जब तक जर्जर इमारत सही से नहीं बन जाती। मेरे संज्ञान मामला है, हमने कंसीयर अधिकारी को बुला के आप ही सामने उनको निर्देश किया है कि तत्काल जाएं और जो बगल में पंचायत घर है वहाँ बच्चों कल से बच्चे तो बच्चे कल से पंचायत घर में बैठेंगे। उन जो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में टीचर हैं उनका कहना है कि हमने बीएसए साहब को एप्लीकेशन दे दी है और एप्लीकेशन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एकदम गलत है, अगर ऐसी बात थी शिक्षक को आपको मुझसे बताना चाहिए था या अपने अधिकारी को बताना चाहिए था, उनके भी नाले में ये बात नहीं है, अभी मेरे नाले में आई। और आज मऊ जिले में भी भारी बारिश से नगर पालिका की पोल खुल गई है। मानसूनी बारिश से सरकारी कार्यालयों में पानी भर गया है, साथ ही शहर में कई जगहों पर सड़कें जलमग्न हो गई हैं जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगरपालिका क्षेत्र के निचले इलाकों में बने हुए मकानों के अंदर पानी 3-4 फुट तक घुस गया है जिसको नगरपालिका के कर्मचारी टैंकर लगाकर निकालने में जुटे हैं। कलेक्टेड परिसर में पानी घुस गया है? हाँ, कलेक्ट्रेट परिषद में पानी तो घुस गया है और चारों तरफ जितने शासकीय कार्यालय बने हुए हैं, कमटी हाल है, सब पानी से डूबा पड़ा है। यहाँ कोई नगर पालिका का पहले सफाई भी नहीं होता रहा, जितने कर्मचारी हैं आते हैं जाते हैं लेकिन कोई कार्य तो करता नहीं है, बस अटेंडेंस लगता है उनका रोज और कार्य पर आते ही नहीं है। वही जिलाधिकारी का कहना है कि भारी बारिश के बाद शहर में हुए जल जमाव के बाद नगर प्रशासन लोगों को राहत देने में जुटा है। वाराणसी में बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है जिससे अधिकारियों के दावों की पोल खुल गई है। शहर के सभी ज्यादातर इलाके 2 दिनों की बारिश के चलते जलमग्न हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई पौश इलाकों और यहां तक कि पीएम मोदी के संसदीय कार्यालय वाला इलाका रविन्द्रपुरी भी तालतलैया बना दिखा। बड़ी बड़ी सड़कें होने के बावजूद उस पर गाड़ियां ऐसे दौड़ रही थी जैसे वे सड़क पर नहीं बल्कि किसी नदी में चल रही हों। सरकार की सारी व्यवस्था ध्वस्त है, कुछ भी नहीं है, सब जगह आप देख रहे हैं पानी लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है,
कैसे आदमी इस बच्चे स्कूल जाएंगे, 24 घंटे की वर्षा में ये हाल है। अगर तेज हो जाता पानी तो फिर क्या होता, शायद हम लोग के घरों में भी पानी इंजर्ड हो जाता। ये कौन सा इलाका माना जाता है? बगल में ही नरेंद्र मोदी पीएम कार्यालय भी जी है। जी 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 के बावजूद यहाँ की हालात है, दावे बहुत किए जा रहे हैं। सीवर सारे जाम है, जब तक सीवर क्लियर नहीं होंगे तब तक पानी का कहीं से बहाव होगा ही नहीं, तो उसके लिए पहले तो सीवर खुलवाने होंगे। देखिए व्यवस्था पूरा गायब है, सब इसी में नहा रही हैं, तैर रही हैं। प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस के अधिकारी जहां थाने को अत्याधुनिक सुविधाएं देते हुए हाईटेक कर रहे हैं, लेकिन फरुखाबाद के कई स्थानीय इन दावों की पोल खोल रहे हैं। जर्जर हो चुके थानों की छतों से पानी टपक रहा है, जिससे पुलिसकर्मी डर के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। वहीं लाखों रुपए का आधुनिक सामान भी महफूज नहीं है। पुलिस कब्जे के लिए वाहनों को रखने के लिए उस पर थानों की बारिश के दौरान टिप टिप करती छतों तले रिकॉर्ड और कंप्यूटर को संभालना थानों के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है, क्योंकि जिस छत के नीचे बैठकर वह काम कर रहे हैं वह किसी भी वक्त गिर सकती है। एसपी का कहना है कि जल्द ही जर्जर थानों को गिराकर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। फरुखाबाद जनपद के थानों पर जो आवास बने हैं उसमें काफ़ी पुराने आवास हैं और कई सारे जर्जर अवस्था में अवश्य हैं, तो इसके लिए पिछले वर्ष भी बजट दिया गया था। इस साल भी बड़े थानों को 50,000 रुपये प्रति थाना और छोटे थानों को 40,000 रुपये प्रति थाना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है प्राप्त बजट में से, और उसमें वो उन आवासों को ठीक कराने का कार्य चल रहा है। बरसात प्रारंभ होने से पहले ही सब अच्छी हालत में हो जाएंगे। सर, कंडम भी घोषित किए जाएंगे क्या कुछ आगे? हाँ, जो 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 बिल्कुल बेकार हैं, उपयोग में नहीं हैं, उनके कंडम करने की भी कार्रवाई की जा रही है और नियमानुसार उन्हें डिमोलिश करा के नए कंस्ट्रक्शन कराए जाएंगे। इसके लिए अनुमति और बजट प्राप्त किया जाएगा। श्रावस्ती जिले के विकासखंड गिलौला के मध्य नगरा गांव के ग्रामीणों की धड़कनें इस समय बढ़ गई हैं। बच्चे हों या महिला और पुरुष, सबके दिलों में राप्ती नदी का खौफ है। पिछले साल राप्ती नदी की कटान ने इस गांव के कई घरों को अपने आगोश में ले लिया था, और इस साल भी ऐसा लग रहा है जैसे इस गाँव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जिससे ग्रामीण डरे हुए हैं। अरे कहाँ चाहिए थे भाई अधिकारी से, कई बार जो है सूचित किए लेकिन कोई अधिकारी यहाँ तक आज तक मुझको देखे नहीं आया कि घर का पता कहाँ है। अरे हम तो कम से कम पिछले साल से मिला 10 बार सब अधिकारियों से मिल चुका हूँ, अप्लीकेशन दे चुका हूँ, फैक्स भी कर चुका हूँ मुख्यमंत्री तक, लेकिन कोई अधिकारी तवज्जो नहीं दी आज तक आए कि देखो क्या है। कम से कम 20-22 घर तो कर चुके हैं। हाँ, हमारे यहाँ ग्राम सभा मधुनगर में आज तक कोई ना सांसद आया, ना विधायक महोदय आए और ना कोई आज तक अधिकारी आया। हम लोग राप्ती के कटान से परेशान है, करीब 4 सालों से कट रहा है और लमसम 50-50 घर कट चुके हैं और 20-20 घर लमसम एकदम करारे पर टिका हुआ है, लेकिन जब वोट लेने के लिए होता है तो पाइप गिरते हैं और आते हैं। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ कोई शादी करने आए हैं विधायक और सांसद महोदय, लेकिन हमारे दुख में कोई शामिल नहीं होते हैं। और हम लोग क्या कहें, मुख्यमंत्री महोदय भी नहीं सुनते हैं। लगातार बारिश ने जहाँ लोगों को परेशान कर रखा है, तो वहीं सरकारी दावों की पोल भी खोल कर रख दी है। मानसून की अभी तो शुरुआत हुई है, जिसमें इतनी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। पूरे मानसून के दौरान न जाने क्या हाल होगा, प्रशासन फिर भी सब कुछ ठीक कर लेने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।